अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.2। उसमें क्या करना है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें सिर्फ आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं। पहला क्या है, CH3CH Cl CH Br CH3। हमने जैसे कि बात की है, जब भी कंडेंस स्ट्रक्चर हो तो जो ब्रैकेट में है उसके अलावा के जो कार्बन है उसे पहले लिख दो, तो ये हमने लिख दिया। फिर ये जो दूसरा वाला कार्बन है उसके साथ एक Cl है तो वो अटैच कर दिया। तीसरे वाले कार्बन पे जो एक Br है उससे अटैच कर दिया। अब हमें नंबरिंग देना है। यहाँ पे दो है तो जब भी क्लोरीन ब्रोमीन की बात हो हम ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। यहाँ पे भी पहले आता है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो हो गया ब्यूटेन। अब अगले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, CH CH F2 CBr Cl F। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, एक ये वाला और एक वाला, तो पहले मैंने लिख दिया CH और C। ये जो पहला है उसके साथ 2 फ्लोरीन है तो ये पहला फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन। जो दूसरा कार्बन है उसके साथ एक Br है, एक Cl है और एक F फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाले कार्बन पे 3 फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे 2 ही है, तो इसे हम क्या करेंगे, नंबर 1 बोल देंगे और इसे बोलेंगे नंबर 2। अब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन में पहले आएगा ब्रोमीन तो हो गया 1 ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरीन तो 1 क्लोरो, फिर पहले पे एक है और दूसरे पे 2 है तो 1 2 2, तो टोटल 3 है तो ट्राई फ्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 ही है तो हो जाएगा इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, सही है। अब तीसरे की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, एक पे है Br और लास्ट वाले पे है Cl। यहाँ पे हमने जैसे बात की, हम ब्रोमीन वाले को प्रायोरिटी देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4, सही है। अब क्या होगा, तो 1 ब्रोमो, फोर्थ ऊपर आया गया क्लोरो तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो हो गया ब्यूट। दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन, तो हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, सही है। अब इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करोगे तो हमारे पास पहला एक कार्बन है, उस कार्बन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सही है। अब क्या है, उसके साथ एक Cl है तो उस Cl को भी मैंने लिख लिया। अब इसी कार्बन के साथ ये सेम फंक्शनल ग्रुप CCl3 3 बार अटैच है, तो ये पहला CCl3 तो एक बार C, उसके साथ 3 Cl, ध्यान से देखना, सही है। ये दूसरा C जिसके साथ क्या है, 3 Cl और ये तीसरा C जिसके साथ क्या है, 3 Cl, सही है। तो ये स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके लिख दिया है, सही है। ये पहला C जिसके साथ एक Cl था वो, और उसी C के साथ 3 CCl3 ग्रुप, ये पहला वाला CCl3, ये दूसरा वाला CCl3 और ये तीसरा वाला CCl3। अब क्या करना है, तो हमें नंबरिंग करनी है, तो मैं नंबरिंग 1 2 3, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पे क्या है, तो ये सारे तो क्लोरीन ग्रुप है लेकिन सेकंड पे एक और ग्रुप भी है जो क्या है, जिसके पास एक कार्बन है और 3 क्या है, क्लोरीन है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, सेकंड नंबर पे है तो हम लिखेंगे 2, क्या है तो ट्राई क्लोरो है, और किसके साथ है, एक कार्बन के साथ, तो हम लिख देंगे उसे मिथाइल। सेकंड नंबर पे क्या है, ये 3 क्लोरीन के साथ एक कार्बन है, मतलब ट्राई क्लोरो मिथाइल ग्रुप है। अब सिर्फ बचे क्लोरीन, क्या है तो फर्स्ट कार्बन पे 3 बार है तो हम लिख सकते हैं 1 1 1, सेकेंड पे एक बार है तो 2, 3 पे अगेन 3 बार है तो 3 3 3, टोटल कितने टाइम है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टा क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं, सिर्फ 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। आई बात समझ में, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, सेकंड पे पूरा ग्रुप है जिसे बोलेंगे ट्राई क्लोरोमिथाइल, फिर
पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन, सेकंड पे 1 क्लोरीन और तीसरे कार्बन पे 3 क्लोरीन है, टोटल 7 कार्बन है, 7 क्लोरीन है, तो हम बोलेंगे 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन, सही है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कार्बन है तो ये CH3, फिर हो गया हमारा कार्बन, फिर ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है 2 बार, वो फिर हम बाद में लिखते हैं, उसके साथ है एक CH और उसके साथ है एक CH3, सही है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 2 बार हमने देखा है पैरा क्लोरो बेंजीन है, तो ये पैरा क्लोरो बेंजीन मतलब ये कार्बन के साथ बेंजीन का जो भी कार्बन होगा उसके सामने वाले कार्बन पे क्या होगा, एक क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा, ये फर्स्ट वाला हो गया। 2 बार यहाँ पे ट्वाइस लिखा है तो 2 बार है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सही है। और यहाँ पे एक क्या है Br। अब हम बात करें तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, इसमें ब्रोमीन वाले को लेस नंबरिंग मिले इस वजह से हम 1 2 3 और 4 नंबरिंग हो गया। अब बात करते हैं तो 2 पे क्या है ब्रोमो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, सही है। 3 पे क्या है तो बोथ 2 फंक्शनल ग्रुप है सेम वाले तो 3 3 लिख लिया। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे फिर से एक रिंग है तो उसके फिर से हम नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे जो रिंग है उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ, तो 4 डैश पे है क्या क्लोरीन और ये पूरा फिनाइल है, कितनी बार है तो ये हो जाएगा 3 3 20 क्या है तो 4 डैश क्लोरो फिनाइल, सही है। ये पूरा ग्रुप कहाँ पे है, तीसरे वाले नंबर पे है, कितनी बार है 2 बार है, और ये जो हमारा मेन चेन है वो क्या है हमारा 4 कार्बन का ब्यूटेन तो हो जाएगा ब्यूटेन, आई बात समझ में, कुछ नहीं है हमारा जो ब्रोमीन है उसका नंबर 1 दे दिया, उसे लेस प्रायोरिटी मिल मतलब उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो उसका लेस नंबरिंग होना चाहिए, तो हमने कर दिया उसे 2 ब्रोमो। 3 पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके 4 नंबर पे क्लोरीन है और ये क्या है फिनाइल रिंग है तो 4 डैश क्लोरो फिनाइल कहाँ पे है 3 पे है तो 3, कितनी बार है 2 बार है तो 3 3 20 4 डैश क्लोरोफिनाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4 है तो ये हो गया ब्यूटेन, सही है। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की, यहाँ पे क्या है CCH तो ये हो गया हमारा C, उसके साथ हो गया CH, जो पहला C है उसके साथ क्या है 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये पहला वाला CH3, फिर हो गया ये दूसरा वाला CH3 और ये हो गया तीसरा वाला CH3, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है और एक कार्बन है, उस कार्बन पे क्या है तो एक Cl ग्रुप अटैच है और दूसरा क्या अटैच है तो एक फिनाइल रिंग, सही है। उसके यहाँ पे P लिखा है मतलब ये पैरा पोजिशन और पैरा पोजिशन पे क्या है आयोडीन, तो ये हो गया आयोडीन, सही है। अब हम बात करते हैं तो हमारी मेन चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी उससे मिलेगी तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे क्या है क्लोरीन तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर पहले नंबर पर एक और क्या है हमारे पास तो ये एक और है जहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4, 4 पे क्या है आयोडो तो 4 डैश आयोडो फिनाइल, सही है। फिर 3 पे 2 बार मिथाइल है तो 3 3 डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, और पहले नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड भी है तो 1 इन, सही है। जब भी ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, शांति से लिखना चाहिए आपको, पहले हमने उसे क्या करना है तो कोई भी कंडेंस स्ट्रक्चर हो कुछ भी हो उसे सिंपल फॉर्म में लिख देना है, सही है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तब पैरा ऑर्थोमेटा जैसी चीजें यूज नहीं होती है,
तो हमें उसके लिए फिर से नंबरिंग कर देनी चाहिए। उसमें सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा भी यूज नहीं कर सकते, तो तभी भी हमें क्या कर देना चाहिए, नंबरिंग कर देनी चाहिए। सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें बात करते हैं फिर से एक बार, तो सी उसके साथ सी एच, फिर डबल बॉन्ड सी उसके साथ सी एल, और यहाँ पे जो सी है उसके साथ एक बेंजीन है, और उसके पैरा पे क्या है आयोडीन, और पहले पे है 3CH3 ग्रुप। सही है। इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 क्लोरो है, 1 ऊपर कौन है 4 बेस आयोडो फिनाइल है, 3 ऊपर मिथाइल ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और पहले पे डबल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 4 डेस आयोडो फिनाइल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। सही है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.3 की। उसमें क्या दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें पहला दिया गया है 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे हमें पेंटेन दिया गया है, मतलब हमारी जो पैरेंट चेन है वो क्या हो जाएगी 5 कार्बन की। तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई। उसमें सेकेंड पे हमें क्या करना है, क्लोरो अटैच करना है, और जो थर्ड नंबर है उसके ऊपर एक मिथाइल अटैच करना है। अब क्या करना है हमें, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो ये CH हो गया, यहाँ पे भी 3 है तो CH, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। हमें 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई करनी होती है। दूसरा क्या दिया गया है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे क्या है, तो हमारी पेरेंट चेन हो गई बेंजीन। सही है। यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया ब्रोमीन, ये हो गया बेंजीन, यहाँ के उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या लिया बेंजीन, तो उसकी जो फोर्थ पोजीशन होगी उस पे हमें क्या लेना होगा क्लोरो। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सामने है तो उसे क्या बोलते हैं पैरा पोजीशन, जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो उसे फोर्थ पोजीशन, तो ये पहली सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये हो गया पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। सही है। आगे क्या क्वेश्चन है, 1-क्लोरो-4-इथाइल-साइक्लोहेक्सेन। सही है। तो हमारा जो पेरेंट चेन है वो क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो हमने यहाँ पे कर लिया साइक्लोहेक्सेन। फिर अब क्या करना है, पहले पे क्लोरो और फोर्थ पे करना है इथाइल, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप, तो ये हो गई हमारी चेन। अब आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की, वो क्या है हमारा 2 ब्रैकेट में फिर से 2-क्लोरो-फिनाइल-1-आयोडो-ऑक्टेन। सही है। ये जो ब्रैकेट दिया गया है उसका मतलब है कि ये जो नंबरिंग है वो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसमें फिर से किया गया है, तो हमारी जो पेरेंट चेन है वो क्या हो जाएगी ऑक्टेन हो जाएगी। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं 8 कार्बन, तो हम पहले वो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा ऑक्टेन हो गया। उसके पहले नंबर के कार्बन पे क्या करना है, हमें एक आयोडीन अटैच करना है, तो वो हो गया। अब क्या है, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, तो 2-क्लोरो-मिथाइल, मतलब कि सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे क्या है एक फिनाइल ग्रुप है। सही है। और फिनाइल की जो सेकंड पोजीशन है, ये पहली पे ये ऑक्टेन वाला है, दूसरी पे क्या हमें लगाना है क्लोरो। सही है। तो ये क्या हो गया, जो सब्स्टिट्यूशन है उसका फिर से नंबरिंग हमें करना है, कि ये सब्स्टिट्यूशन का पहला नंबर और ये दूसरा, वहां पे हमें क्या अटैच करना है क्लोरो, तो ये हमारा हो गया 2-2-क्लोरो-फिनाइल-1-आयोडो-ऑक्टेन। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड कंप्लीट। अब क्या है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, सिंपल सा है, ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है, उसने जो सेकंड है वहां पे ब्रोमीन अटैच करना है, तो हो गया 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। सही है। अब क्या है,
एस्टर ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन मतलब यहाँ पे 7 कार्बन है, 3, 4, 5, 6 और 7 सही है। उसमें जो थर्ड नंबर का कार्बन है उस पे एक आयोडीन है। फोर्थ पे क्या है, तो फोर्थ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब जो कार्बन यहाँ पे अटैच होगा ब्यूटाइल का वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तभी वो टर्सरी होगा, और ब्यूटाइल ग्रुप बनाना है मतलब टोटल 4 ग्रुप वहां पे अटैच होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। वैलेंसी हम कंप्लीट कर देते हैं। सही है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब हमें क्या देखना है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सही है, हमारी पेरेंट चेन कौन सी है, बेंजीन है, तो ये हो गया बेंजीन। सही है, उसमें पहले पे क्या है, ब्रोमीन, तो ये हो गया ब्रोमीन हमारा, ये पहली पोजीशन है। फिर दूसरी पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तो ये दूसरी पोजीशन जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। फिर चौथी पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे क्या करना है हमें, तो ब्यूटाइल ग्रुप अटैच करना है। ब्यूटाइन माने कि 4 कार्बन वाला एक सब्स्टिट्यूशन ऐड करना है, वो कौन सा है, तो सेकेंडरी मतलब जो ब्यूटाइल है उसका जो कार्बन यहाँ पे अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो ब्यूटाइल का कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है। सही है, तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। और लास्ट हमारा क्या है, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, वहां पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है फर्स्ट, और ये रहा फोर्थ हमारा। फिर हमारा दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो दूसरे पे डबल बॉन्ड हो गया। अब हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो हो जाएगा CH CH और ये हो गया CH2। सही है, होप यू अंडरस्टैंड।